हेलो दोस्तों, क्या आप नया फ़ोन खरीदना चाहते हो? और अगर आपका बजट 16,000 है तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं आपको कुछ फ़ोन बताऊंगा जो कि 16,000 के अंदर आते हैं और ये सभी फ़ोन्स आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। तो फिफ्थ नंबर पर फ़ोन आता है रेडमी नोट 8 प्रो। फ़ोन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.53 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 19:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि इस डिवाइस को ड्यूरेबल बनाता है। और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। आगे बात की जाए इस फोन की CPU की, तो इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.05 GHz पे क्लॉक है और 12 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस चिपसेट से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और गेमिंग वगैरह भी इसमें बहुत ही अच्छे से चल पाएंगे। बात की जाए रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इस फोन में आपको 6 8 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और इस फोन में आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि एक फास्ट स्टोरेज माना जाता है। वही भी बात की जाए इस फोन की कैमरास की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का पोर्ट्रेट और साथ में 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है और साथ में LED फ्लैश भी आ जाएगा। वही भी बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और वही भी बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन में आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आप बात कह सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको इस फोन में 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। और वही भी बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन में आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट के साथ MIUI का कस्टम रॉम भी देखने को मिलता है। आगे बात की जाए इस फोन की सिम कार्ड स्लॉट की, तो इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड आराम से चला सकते हो, जो कि एक अच्छी बात आप कह सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4500 mAh की बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 80 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइसिंग 14,000 से शुरू होती है और 14,000 में आपको 6 GB रैम वेरियंट देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 14,000 है तो ये फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में, जो इससे भी कम प्राइस में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशंस दे पाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, और फोन का नाम है Realme 6। फोन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आप बात कह सकते हो। वही भी बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और ये भी एक IPS LCD डिस्प्ले है। और खास बात की जाए तो इसमें आपको पंच होल देखने को मिलता है। आगे बात की जाए इस फोन की CPU की, तो इस फोन में भी आपको मीडियाटेक का हीलियो G90D गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.05 GHz पे क्लॉक्ड है और 12 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फोन से भी आप बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और गेमिंग में भी ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। वहीं पे बात की जाए रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इस फोन में आपको 4 6 8 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और ये भी एक UFS 2.1 स्टोरेज है। आगे बात की जाए इस फोन की कैमरास की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का पोर्ट्रेट और 2 MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। वही भी बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और वही भी बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन के पीछे की साइड में आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है और साथ में ग्लास लाइक फिनिशिंग आ जाएगी। आगे बात की जाए इस फोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 16 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और वही भी बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ Realme UI का कस्टम रॉम भी देखने को मिलता है। आगे बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की, तो इस फोन में भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड आराम से चला सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। वही भी बात की जाए बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक बड़ी बैटरी है और साथ में 30W का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बैटरी को 1 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइसिंग 13,000 से शुरू होती है और अगर आपका बजट 13,000 है तो ये फोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे बढ़िया फोन है 13,000 के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में, अगर आपको ज़्यादा बैटरी के साथ बढ़िया प्रोसेसर चाहिए तो। तो फोन का नाम है Redmi Note 9 Pro। फोन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखने को आपको मिल जाएगा और ये भी एक पंच होल डिस्प्ले है। वही भी बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इस फोन में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक ड्यूरेबल डिवाइस आप कह सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की CPU की, तो इस फोन में आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 720G गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक है और 8 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो ये फोन आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगा और गेमिंग में भी ये फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा।
और 13,000 के अंदर ये आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ये फ़ोन दे पाएगा। बात की जाए रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इस फोन में आपको 4 या 6 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 या 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और ये भी एक UFS 2.1 स्टोरेज है जो कि एक फास्ट स्टोरेज माना जाता है। आगे बात की जाए इस फोन की कैमराज की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में LED फ्लैश भी आ जाएगा। वही भी बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और वही भी बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन में भी आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस डिवाइस को ड्यूरेबल बनाता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आगे बात की जाए इस फोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और वही भी बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ MIUI का कस्टम नाम देखने को मिल जाता है। आगे बात की जाए इस फोन की सिम कार्ड स्लॉट की, तो इस फोन में भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 SIM कार्ड और 1 MicroSD कार्ड आराम से चला सकते हो। और बात की जाए बैटरी की, जो कि ये इसका एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो इसमें आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइसिंग 13,000 से शुरू होती है, और 13,000 में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और अगर आपको बढ़िया बैटरी चाहिए और बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, तो ये फ़ोन आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट फोन, अगर आपका बजट 15,000 है तो फ़ोन का नाम है Redmi Note 9 Pro Max। फ़ोन की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको 6.67 inches का फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ये इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात आप कह सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की CPU की, तो इस फोन में भी आपको Qualcomm का Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है और 8 nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वही पे बात की जाए इस फोन के रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इस फोन में आपको 6 8 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, और ये भी एक UFS 2.1 स्टोरेज है, जो कि एक फास्ट स्टोरेज माना जाता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फोन से भी आप बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये फोन भी आपको गेमिंग में निराश नहीं करेगा। आगे बात की जाए इस फोन की कैमरास की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप आता है, जिसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में LED फ्लैश भी आ जाएगा। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन में भी आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और वही भी बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। आगे बात की जाए इस फोन की फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक पंच होल में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तो इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ MIUI का कस्टम रोम आ जाएगा। बात की जाए सिम कार्ड स्लॉट की, तो इस फोन में भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और वही भी बात की जाए इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में 33W का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइसिंग 15,000 से शुरू होती है, और 15,000 में आपको 6 GB रैम के साथ 64 GB का वेरियंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपका बजट 15,000 है, तो ये फ़ोन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, अगर आपका बजट 16,000 है तो, और ये फ़ोन सबसे बेस्ट होने वाला है। तो फ़ोन का नाम है Poco X2। फ़ोन की अगर बात की जाए, तो इस फोन में आपको 6.67 inches का फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें आपको 120Hz वाला रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आप बात कह सकते हो। वही बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि इस डिवाइस को ड्यूरेबल बना देता है, और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। आगे बात की जाए इस फोन की CPU की, तो इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 730G गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है और 8 nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फोन से भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और गेमिंग में भी ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। आगे बात की जाए रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की, तो इस फोन में आपको 6 8 GB रैम ऑप्शन के साथ 64 128 या 256 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और ये भी एक UFS 2.1 स्टोरेज है। आगे बात की जाए इस फोन की कैमरास की, तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप आता है, जिसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा सेंसर के साथ 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का डेप्थ और 2 MP का मैक्रो सेंसर आता है। और इसमें जो मेन कैमरा सेंसर मिलता है वो सोनी की तरफ से आता है, जिसका नाम IMX686 है, जो कि एक बड़े सेंसर आप कह सकते हो।
और साथ में इस फोन में आपको एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। वही भी बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इस फोन में आपको साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और इस फोन में भी आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि आप बहुत ही अच्छी आप बात कह सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका रिजोल्यूशन 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रखा गया है। 2 मेगापिक्सल ये एक डेप्थ सेंसर है। आगे बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 के अपडेट के साथ MIUI का कस्टम रॉम देखने को मिलता है। आगे बात की जाए इस फोन की सिम कार्ड स्लॉट की, तो इस फोन में आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप एक टाइम पे 2 सिम कार्ड लगा सकते हो या एक सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड चला सकते हो। आगे बात की जाए इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 27 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फाइनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की, तो इस फोन की प्राइसिंग 16,000 से शुरू होती है और 16,000 में आपको 6 GB RAM के साथ 64 GB का वेरियंट देखने को मिल जाता है। और अगर आपका बजट 16,000 है तो मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये थे कुछ फ़ोन्स जो कि 16,000 के अंदर आते हैं और ये सभी फ़ोन्स अपने प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।